हैदराबाद में चंपापेट संतोष नगर रोड पर श्रीपाल रेड्डी, अहमद अली व अन्य नेताओं ने सरकार द्वारा बाढ़ ग्रसित लोगों को 10,000 न मिलने पर धरना दिया गया। नव भारत समाचार से अहमद जबारी। तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो 10,000 रुपए जो पानी के लिए फंड इशू हुआ, उसमें टीआरएस के लीडर्स, लोकल लीडर्स, एक एक लाख रुपए ले ले रहा। आवाम तक पैसे नहीं पहुंच रहे, कई लोग परेशान हैं। यहाँ पे आपको मिले पैसे? आपको नहीं मिले। कई लोगों के घर पानी की वजह से तबाह हो गए, किसी को पैसे नहीं मिल रहे। ये पिछले 6-7 साल से टीआरएस के एमएलए कॉरपोरेटर्स पूरे तालाबों को बंद करके, पूरे नालों पे प्लॉटिंग कर दे, तालाबों पे प्लॉटिंग करके नाले बंद करके बेच के खा लिए, करोड़ों रुपया खा लिए। उसके बाद जब अब उनके छोटे लोकल लीडर जो रहते, उन लोग एमएलए और कॉरपोरेटर्स को कंप्लेन करे कि आप लोग आप पूरा खा ले रहे हैं, हम क्या खाना। तो गवर्नमेंट एक 500 करोड़ का बजट इशू करी करके बोले कि ये पानी के बहाने हम गरीबों को दे रहे हैं, बोल के बोलते आप लोग आपका जैसे काम कर लो। तो इसीलिए 5% लोगों को भी पैसे नहीं मिले, जिसके घर मुतासिर हुए। बाकी के पूरे लोकल लीडर्स, एक एक लीडर्स 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए खा लिया। और जिसको 10,000 रुपए मिले, उनसे जैसे 5,000 रुपए कमीशन ले रही, 5,000 रुपए दे रही। तो ऐसा जुल्म टीआरएस की तरफ से पिछले 6-7 साल से चल रहा। और आज पूरे शहर के रोड बंद कर दिए पब्लिक। ये कोई अपोजिशन का काम नहीं है, पब्लिक का खुद का काम है। अब हमेशा टीआरएस के खिलाफ अपोजिशन रहती थी, अब पूरी आवाम तेलंगाना की अपोजिशन हो गई टीआरएस के, केसीआर के। उन्होंने फार्म हाउस पे बैठ के कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं। शाम में पार्टी कर रहे हैं, पार्टी के बाद डिसीजन ले रहे हैं। ये कोई सिस्टम नहीं है। एक ऑफिसर बैग में पैसे ले लेके आना और लोगों को घर पे फोटो लेना, आधार कार्ड देख लेके पैसे देने का कोई सिस्टम नहीं रहता। जिसके मन में आया, जो केसीआर साहब को जो रात में जो समझ में आया दिन में कर रहे हैं, दिन में जो समझ में आया वो रात में कर रहे हैं। तो ये पूरा कम्प्लीटली आवाम को लूट के, आवाम को बर्बाद करने के पॉलिसी से टीआरएस के। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि आने वाले जीएचएमसी इलेक्शन में टीआरएस सेंचुरी बनाने का ख्वाब देख रही, सेंचुरी के बजाय एक कॉरपोरेटर भी नहीं जीतना चाहिए। वैसा आवाम अगर सबक सिखाई तो आवाम का फायदा होगा। अदरवाइज इसके बाद हर महीने के बाद, हर 2 महीने के बाद आवाम को इसी टीआरएस की तरफ से तकलीफ पहुंचते रहेंगी।